बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं अपने मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन का अपने इस देखो टीवी यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, ऑटोमोटिव से रिलेटेड एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ, जिसमें मैं आपको टोयोटा यारिस टॉप ऑफ द लाइन और होंडा सिटी 6th जनरेशन टॉप ऑफ द लाइन का कंपैरिजन करके बताऊंगा कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो के पहले हिस्से में हम गाड़ी की डिमेंशंस और एक्सटीरियर के बारे में बात करेंगे, उसके बाद गाड़ी के इंजन और तीसरे हिस्से में दोनों गाड़ियों के इंटीरियर का रिव्यू किया जाएगा। बाद में दोनों गाड़ियों के तमाम फीचर्स का कंपैरिजन भी करेंगे और आखिरी हिस्से में दोनों कार्स की प्राइस और इनमें से कौन सी गाड़ी ज़्यादा बेहतर है वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। टोयोटा यारिस की डायमेंशंस की बात की जाए तो इसमें 4425 मिलीमीटर लेंथ, 1730 मिलीमीटर विड्थ और 1475 मिलीमीटर हाइट मिल जाती है, जबकि गाड़ी का व्हील बेस 2550 मिलीमीटर है और इसका टर्निंग रेडियस 5.1 मिलीमीटर है। यारिस में 45 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी और 476 लीटर बूट स्पेस भी मौजूद है, जबकि ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में ये गाड़ी 133 मिलीमीटर ऊंची है। यारिस के कंपैरिजन में होंडा सिटी की डायमेंशंस की बात करें तो इसमें हमें 4442 मिलीमीटर की लेंथ, 1694 मिलीमीटर की विड्थ और 1470 मिलीमीटर की हाइट दी गई है, जबकि सिटी में 2600 मिलीमीटर का व्हील बेस और 5.3 मिलीमीटर का टर्निंग रेडियस भी मिल जाता है। होंडा सिटी की 40 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी और 506 लीटर की बूट स्पेस के साथ आती है, जबकि ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में ये गाड़ी 165 मिलीमीटर ऊंची है, जो कि टोयोटा यारिस से ज़्यादा है। तमाम डायमेंशंस के मुताबिक होंडा सिटी टोयोटा यारिस से बड़ी गाड़ी है। टोयोटा यारिस में हमें एक डिसेंट बॉडी डिज़ाइन देखने को मिलता है। फ्रंट पे हेलोजन हेडलाइट्स, जबकि इसमें DRLs बम्पर के अंदर फॉग लाइट से थोड़ा ऊपर प्लेस्ड हैं। गाड़ी में 15 इंच के अलॉय व्हील्स विद लोकली मैन्युफैक्चर्स टायर ऑफर्स किए गए हैं। यारिस में हमें LED टेल लाइट्स भी मिल जाती हैं, जिनका डिज़ाइन काफ़ी यूनिक है। दोनों टेल लाइट्स के दरमियान क्रोम की गार्निश और नीचे बम्पर्स में ब्रेक लाइट्स भी मौजूद हैं। और दूसरी तरफ होंडा सिटी के बॉडी डिज़ाइन में काफ़ी कर्व्स नज़र आते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी काफ़ी स्पोर्टी लुक देती है। फ्रंट पे स्लीक एंड स्टाइलिश डिज़ाइन हेडलाइट्स विद DRLs हैं। सेंटर में क्रोम ग्रिल जिसमें होंडा का एम्बलम भी मौजूद है और बम्पर में हेलोजन फॉग लाइट्स भी ऑफर की गई हैं। गाड़ी की साइड प्रोफाइल पे आएँ तो होंडा सिटी टोयोटा यारिस से बल्की लगती है। गाड़ी में 15 इंच के 2-टोन अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, ताहम टायर लोकली पाकिस्तान मेड हैं। होंडा सिटी की टेल लाइट्स को देखें तो ये डिज़ाइन के मामले में सुजुकी सयाज की तरह हैं, बट ये हेलोजन टेल लाइट्स हैं। नीचे बम्पर में ब्रेक लैम्प्स प्लेस्ड हैं और राइट साइड पर नॉर्मल एग्जॉस्ट सिस्टम भी मौजूद है। इंजन की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो टोयोटा यारिस में 1.5 लीटर इंजन विद 7-स्पीड CVT ट्रांसमिशन मिल जाता है, जो कि 106 हॉर्स पावर और 140 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोवाइड करता है। इसके मुकाबले में होंडा सिटी में 1.5 लीटर इंजन विद 7-स्पीड CVT ट्रांसमिशन ऑफर की गई है, जो कि 118 हॉर्स पावर और 145 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है। इंजन की स्पेसिफिकेशन के मुकाबले में भी होंडा सिटी टोयोटा यारिस के मुकाबले में ज़्यादा पावरफुल और इसमें ज़्यादा टॉर्क मौजूद है। नाजरीन, टोयोटा यारिस में 2-टोन इंटीरियर विद सिल्वर ट्रिम्स ऑफर किया गया है, जो कि काफ़ी डिसेंट लुक देता है। गाड़ी में हमें पावर विंडोज़, इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग विद कंट्रोल बटन्स, पावर डोर मिरर्स, एनालॉग प्लस डिजिटल टैकोमीटर, डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल, पुश बटन, 7-इंच टच पैनल विद ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स और 12 वोल्ट डुअल पावर सॉकेट भी मौजूद है। यारिस में टोयोटा ने फैब्रिक सीट्स ऑफर की हैं, जो पाकिस्तानी वेदर को काफ़ी सूट करती हैं। टोयोटा ने सेफ्टी फीचर्स को मद्देनज़र रखते हुए कुछ ऐसे फीचर्स इंट्रोड्यूस कराए हैं, जिनमें ABS, 2 एयर बैग्स, क्रूज़ कंट्रोल, VSC, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट जैसे फीचर्स गिवन हैं। दूसरी तरफ होंडा सिटी में सिंगल टोन ब्लैक इंटीरियर विद सिल्वर ट्रिम्स ऑफर किया गया है। डैशबोर्ड को कुछ ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि गाड़ी में बैठते ही आपको एक स्पोर्टी और लग्जरी फील आती है। फीचर्स के मामले में इस गाड़ी में पावर विंडोज़, पुश स्टार्ट, electric steering with control buttons, analog tachometer, digital climate control, leather seats, cruise control, 12-volt power socket और 7-inch टच इंफोटेनमेंट सिस्टम विद ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स मिलेंगे। सेफ्टी फीचर्स को लेके होंडा ने अपनी सिटी पे काफ़ी वर्क किया है। गाड़ी में ABS, 2 एयरबैग्स, VSC, हिल स्टार्ट असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, EBD जैसे फीचर्स ऑफर किए हैं। प्राइस की बात करें तो टोयोटा यारिस की एक्स फैक्ट्री प्राइस 29,99,000 है, जबकि CT6 जनरेशन की एक्सपेक्टेड प्राइस 32 लाख तक हो सकती है। हो सकता है कि इस बार सिटी में सनरूफ भी इंट्रोड्यूस करवाया जाए। अगर ऐसा हुआ तो सिटी यहाँ पे क्लियर विनर होगी और उसका प्राइस डिफरेंस भी जस्टिफाई होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद लेटेस्ट न्यूज़ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली हर वीडियो से बाखबर रह सकें। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।